नमस्कार साथियों, लिमिटेड ज्ञान पे आपका स्वागत है। साथियों, महामारी अधिनियम 1897 के अनुसार, जैसा कि आपको विगत है, कोरोना को एक महामारी घोषित किया जा चुका है। और आपको ये भी अच्छी तरह विगत है कि कोरोना का कई अन्य देशों में कैसे विकराल रूप सामने आया, जैसे कि अमेरिका, जैसे कि स्पेन, जैसे कि इटली। आप सभी इस चीज़ को अच्छी तरह जानते हो। आज हम क्या जानेंगे, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया क्वारंटाइन, आइसोलेशन, इनके बारे में बताया, और ये भी बताया कि जो कि महामारी अधिनियम 1897 है, इसकी धारा 3 के तहत इनका उल्लंघन करने पे ऑफेंस है, अपराध है, इसके लिए कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो आज हम अन्य अपराधों के बारे में, कौन कौन से, जैसे भारतीय दंड संहिता के अनुसार कौन कौन सा अपराध बनता है अगर आप लॉकडाउन का उल्लंघन करते हैं, और भारत सरकार या राज्य सरकार के जो भी दिशा निर्देश है, जो कि गाइडलाइन दी गई है, जो कि इस महामारी के दौर में, जो कि महामारी अधिनियम के तहत दिशा निर्देश दिए गए हैं, गाइडलाइन दी गई है, उनके तहत अगर आप उनका उल्लंघन करते हो बिना किसी जरूरी काम के बाहर जाते हो। जरूरी काम का मतलब मेरा यहाँ कहना इतना ही है कि आवश्यक सामग्री, जरूरी काम सबसे बड़ा वही है। अगर जरूरी चीजें आपके पास घर तक पहुंच रही है तो आपको बिल्कुल बाहर नहीं निकलना है। और कोई भी जगह हॉटस्पॉट राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने घोषित की गई है तो आप वहां भी नहीं निकल सकते बाहर, क्योंकि जरूरी सामान की अगर सरकार द्वारा सप्लाई आपके पास की जाती है, आपके घर तक पहुंचाया जाता है, तो वहां भी आपका निकलना बैन है। हाँ, कि सरकार के अनुमति लेके किसी आवश्यक कार्य के लिए आप बाहर जा सकते हो, सर संबंधित जो भी कंसर्न जो डिपार्टमेंट है उससे अनुमति लेके आप जा सकते हो। इनमें अपराध क्या होगा, अगर आप इन चीजों का उल्लंघन करते हैं, कोई पब्लिक सर्वेंट जिसकी ड्यूटी है, या फिर कोई चिकित्सा कर्मी है, पब्लिक सर्वेंट में आ जाते हैं क्योंकि इनकी ड्यूटी लगी होती है, सफाई कर्मी, चिकित्सा कर्मी और अन्य जो कि लॉकडाउन के दौरान जिनको भी ड्यूटी दी गई है, जैसे नगर कर्मी हो गया, नगर की सुरक्षा से संबंधित नगर पालिका कर्मचारी हो गया, और अन्य इसी तरह जो कि कोरोना के ऐसे टाइम में जो लगे हुए हैं, जो कार्यों में लगे हुए हैं, जिनको आवश्यक सामग्री पहुंचाने का कार्य दिया गया है, और अन्य कोई लोक सेवक है जो कि अपनी ड्यूटी कर रहा है, उनकी अवज्ञा करते हैं, उनकी बातों का उल्लंघन करते हैं, तो सबसे पहले तो भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड 1860 की धारा 188, दोस्तों ध्यान रखनी है, 188 के तहत आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है जिसमें कि 6 माह की सजा है। और दूसरा, इसके बाद नेक्स्ट धारा, अगर कोई क्वारंटाइन या आइसोलेशन किया गया, या कोई संक्रमित व्यक्ति है, या कोई अन्य व्यक्ति है जो संक्रमित नहीं है, वो किसी आइसोलेशन वाले या क्वारंटाइन वाले व्यक्ति को बाहर लेके जाता है, बाहर घुमाता है, क्योंकि ये जो कोरोना से संक्रमित व्यक्ति है उसका बाहर निकलना अलाउ नहीं है, उसको घुमाता है, या खुद जो आइसोलेट हुआ हुआ है या क्वारंटाइन हुआ है वो बाहर घूमता है, लापरवाही करता है, सरकार के दिशा निर्देश को नहीं मानता है, तो उसके खिलाफ 269 यानी कि उपेक्षा पूर्वक किन्हीं अन्य व्यक्तियों को संक्रमित करना या संक्रमित करने के भय में डालना। और इसी तरह 270 है जिसमें क्या है, विद्वेष पूर्वक, मैलिजेंटली, ये किसी को संक्रमण के भय में डालना। तो 269 और 270 के तहत कार्रवाई हो सकती है, जिनमें ज्यादा से ज्यादा सजा कितनी है, सजा है 2 वर्ष तक की। और जो कि क्वारंटाइन जो व्यक्ति किया गया है तो वो खुलेआम घूमता है, तो उसके लिए 271 भारतीय दंड संहिता में उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, 271 में प्रोविजन दिया गया। इसके अलावा दोस्तों आईपीसी का सेक्शन है 186, यानी कि लोक सेवक के कर्तव्य निर्वहन में, वो अपना कर्तव्य कर रहा है, जैसे पुलिस वाला अपना कर्तव्य कर रहा है, किसी को रोक के पूछ रहा है कि आप किस काम से बाहर जा रहे हो, आप लॉकडाउन के दौरान बाहर जा रहे हो किसी जरूरी काम से, तो उसको आपको बताना आपका फर्ज बनता है कि किस काम से। अगर आप उसमें बाधा डालते हो, उसका जवाब नहीं देते पब्लिक सर्वेंट की बातों का, या अन्यथा उसका विरोध करते हो, तो 186 आईपीसी के तहत आपको पनिशमेंट मिल सकता है, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है। और उसके बाद महामारी, जो कि ये महामारी का जो एक्ट एक और बना हुआ है, आपदा प्रबंधन अधिनियम, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का एक्ट है, जिसकी धारा 51 है दोस्तों। उसके तहत भी अगर लोक सेवक यानी कि पब्लिक सर्वेंट, जैसे पुलिस वाला मान लो, उसका कहना नहीं मानते, उसका जवाब ठीक तरह से नहीं देते, उसके कर्तव्य निर्वहन में बाधा डालते हो, तो वही यही सेम प्रोविजन धारा 51 में दिया गया, उसके तहत आपको 2 वर्ष तक की सजा हो सकती है। जैसा आईपीसी का 186 है, ऐसा ही धारा 51 है, इसकी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। इसी प्रकार दोस्तों लोक सेवक के कर्तव्य निर्वहन में बाधा हमने जान लिया, बाधा के बाद वो लोक सेवक, जैसे पब्लिक सर्वेंट अपना कर्तव्य निर्वहन, पुलिस वाला अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहा है, उस दौरान आप लॉकडाउन तोड़ के उसके साथ बहस करते हो, उसके साथ मारपीट करते हो, उसको सिंपल चोट पारित करते हो, साधारण चोट तो 332
भारतीय दंड संहिता के तहत आपको पनिशमेंट मिल सकता है जिसमें कि 3 वर्ष तक का कारावास है। और इसी प्रकार अगर उसको गंभीर चोट करते हो, गंभीर चोट कोई ग्रुप आगे उसको मारपीट करता है लॉकडाउन के दौरान, उसके साथ लोक सेवक के साथ पब्लिक सर्वेंट कोई भी चिकित्सा कर्मी हो सकता है, पुलिस वाला हो सकता है, क्योंकि ये एक तरह से पब्लिक सर्वेंट का ही रोल अदा कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं जो भी लगे हुए हैं, तो उनके साथ भी पब्लिक सर्वेंट की अथॉरिटी पे वो होना चाहिए। उसके साथ आप मारपीट कर दी, गंभीर चोट कारित कर दी, तो 333 भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत 10 वर्ष तक का कारावास की सजा है। और इसके अलावा 353 भारतीय दंड संहिता की धारा है जिसमें कि कोई वही अपना कर्तव्य निर्वहन उसको भय में डालने के लिए उस पर हमला करते हो या आपराधिक बल क्रिमिनल फोर्स का यूज करते हो, तो 353 भारतीय दंड संहिता के तहत आपको पनिशमेंट मिल सकता है, मुकदमा दर्ज हो सकता है आपके खिलाफ जिसमें कि 2 वर्ष तक का कारावास है। और इसी प्रकार जो कि मैंने आपको बताया था आपदा प्रबंधन अधिनियम जो कि 2005 का एक्ट है, उसमें हम मैंने आपको 51 सेक्शन 51 के बारे में बताया था, इसी प्रकार उसकी धारा 52 और 53 है। दोस्तों कई बार क्या होता है कि जो कोई जरूरी सामान, जैसे कोई गरीब है उसको जरूरी सामान राज्य सरकार या केंद्र सरकार जहां तक जो उसको जरूरत है उनके पास पहुंचा रही है, जरूरी सामान के लिए कि जो जरूरतमंद व्यक्ति है उसके पास, उसके लिए धारा 52 और 53 दी हुई है आपदा प्रबंधन, उनके पास जरूरी सामान पहुंच रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति झूठ बोल के जरूरी सामान ले रहा है, उसके पास है पहले से सामान, उसके पास राशन पानी सब कुछ है, लेकिन झूठ बोल के गलत सूचना दे के वो ऐसा कर रहा है, तो उसके खिलाफ धारा 52 और धारा 53 के तहत कार्रवाई हो सकती है आप, जिसमें कि 2 साल तक की सजा हो सकती है। दोस्तों ये ध्यान रखना है, 52 झूठ बोल के भ्रामक, किसी को झूठ बोल के आप सामग्री मंगवा रहे हो सरकार से, तो आपके खिलाफ धारा 52 और 53 के में कार्रवाई हो सकती है आपदा प्रबंधन अधिनियम में। दोस्तों आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की सबसे महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट धारा है धारा 54, धारा 54। दोस्तों इस धारा को आपको ध्यान रखना है, अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई धारा 54 के तहत हो सकती है। जो भी अफवाह, देखो अफवाह पे सोशल मीडिया में जो भी सम्मिलित है हर तरह का व्यक्ति आ सकता है, जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे न्यूज चैनल वाले हैं वो भी अगर किसी कोरोना के बारे में या किसी अन्य बात के बारे में लॉकडाउन के दौरान सरकार ने जो गाइडलाइन दे रखी है उनके अलावा किसी भी चीज के बारे में अफवाह फैलाते हैं तो उनके खिलाफ भी धारा 54 के तहत कार्रवाई हो सकती है। और सोशल मीडिया में दोस्तों व्हाट्सअप फेसबुक ट्विटर या किसी अन्य माध्यम से आपके पास कोई मैसेज आ जाता है कोई अफवाह संबंधित, आप भी अगर उसको आगे शेयर करते हो तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है अगर वो झूठी बात है। तो देखो दोस्तों सही बात को आप कर सकते हो शेयर, उसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी, अगर अफवाह कोई झूठी बात आप बिना कन्फर्म किए उसको आगे भेजते हो, पहली बात उसको कन्फर्म करना चाहिए सही है या नहीं, अगर आपको पता नहीं है तो उसको डिलीट कर दीजिए। कोई अफवाह को अगर आप आगे सेंड कर रहे हो, आगे से आगे सर्कुलेट कर रहे हो, तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है धारा 54 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 54 के तहत। और आपको ये ध्यान रखना है इसमें 1 साल तक की सजा है। तो इस तरह 51 से लेकर 60 तक आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रोविजन इंपोर्टेंट है जिसमें न्यायालयों के बारे में भी दे रखा है। इसमें जो मेन जो धाराएं थी मैंने आपको बता दी, 51 से 54 तक ये मेन धाराएं। तो दोस्तों माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी अलख आलोक वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में धारा 54 जो इसकी धारा 54 है, जैसा इसमें स्पष्ट किया गया है कि अफवाह फैलाना इससे संबंधित ही, यानी कि धारा 54 को तो स्पष्ट नहीं किया, इससे संबंधित बातें की है कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई से संबंधित गाइडलाइन दी है। उसमें यह भी बताया कि कौन कौन से सोशल मीडिया में क्या क्या आता है, इससे संबंधित दिशा निर्देश दिए गए हैं जो कि डिटेल से आप पढ़ना चाहो तो अलग आलोक वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में आपको मिल जाएगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इन सब को किस किस कैटेगरी को किन किन को अफवाह में माना है और कौन से मतलब उनके खिलाफ कार्रवाई के भी लिए निर्देशित किया गया है, जो सरकार को गाइडलाइन दी है कि वो आप अलग आलोक वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में देख सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम जैसे कि एक चीज हो रही है इसमें बहुत महत्वपूर्ण, आपको पता होना चाहिए ये चीज, जैसे कि दुकान में अब दुकानदार है हम सामान लेने जाते हैं आवश्यक वस्तु, तो आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली है जो भी शॉप्स वगैरह वो खुली है, आपको सबको पता है इस चीज का, तो वो या कालाबाजारी करता है दुकानदार या जो कि उनका कीमत है जो कि उस पे मैक्सिमम प्राइस लिखा होता है उससे अधिक मूल्य पे बेचता है या कालाबाजारी करता है किसी सामान की किसी चीज की, तो उनके खिलाफ भी आवश्यक जो कि आवश्यक वस्तु सेवा वस्तु अधिनियम है उसके तहत कार्रवाई हो सकती है अगर दुकानदार ऐसा करता है तो इस दौरान महामारी के दौरान। दूसरी बात, तीसरी बात, ये भारतीय दंड संहिता में ये ध्यान रखनी है कि अगर इस दौरान इस लॉकडाउन के दौरान कोई भी धार्मिक उन्माद फैलाता है या धार्मिक भावनाओं को आहत करता है भड़काता है, दो वर्गों के बीच होना चाहिए, दो वर्गों के बीच, तो उसके खिलाफ भी भारतीय दंड संहिता की धारा
153A और 295, सेक्शन 295 के तहत कार्रवाई हो सकती है दोस्तों, जिनमें कि 3 वर्ष और 5, ज्यादा से ज्यादा 5 वर्ष तक की सजा है। तो ये ध्यान रखना है, इस दौरान आपको एहतियात बरतनी है दोस्तों, और लॉकडाउन का पालन करना है हर हाल में। और सरकार जो भी, भारत सरकार और राज्य सरकार जो भी दिशा निर्देश दे रहे हैं उनकी पालना करनी है, पालना सुनिश्चित करनी है, और पालना सुनिश्चित करने के लिए कानून है दोस्तों। ये कानून का पालन करें, घर पे रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें। और ये सभी जो कानून की जानकारी है, नॉलेज इसीलिए बताया गया इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। ये तो वैसे अखबारों में, न्यूज़पेपर में ये चीज़ें आती रहती है, लेकिन जिस भी व्यक्ति तक ये चीजें नहीं पहुंची उस तक आसानी से। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।